कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही है? जो बच्चे क्लास में हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। करंट अफेयर कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो आप लोग? नेहा क्रॉनिकल, क्रॉनिकल पढ़ ले, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले, ठीक है। बाकी कुछ हम कवर करा रहे हैं क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछे रिकॉर्ड। आज मैं आप लोगों के लिए समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आया हूं। उसमें आज एक हमारा चर्चित विषय है, वो है हाफ लॉग हिंदी। ये चर्चाओं में है, क्वेश्चन यही दे देगा हाफ लॉग क्या है। ये पूर्व उत्तर राज्य या उत्तर पूर्व के जो राज्य है, खास करके असम, वहां की लोकल भाषा है, ठीक है, हाफ लॉग जो हिंदी है। तो ये चर्चाओं में इसलिए है कि जो पूर्व उत्तर क्षेत्र है हमारा, उसमें सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार हिंदी को लागू करने की कोशिश कर रही है या हिंदी को लागू करने का प्रस्ताव लाई है। तो इसलिए वहां का जो असम का लोकल व्यक्ति है, बंदे है, वो इसे बचाने के लिए हाफ लॉग हिंदी को, क्योंकि ये उनकी भाषा है लोकल, तो वो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं हिंदी के, कि हम हिंदी लागू नहीं होने देंगे क्योंकि हम हाफ लॉग हिंदी का प्रयोग करते हैं। और हाफ लॉग जो हिंदी है, इसमें सामान्य हिंदी का प्रयोग नहीं होता, इसमें आपकी नेपाली, तिब्बती, मिक्सचर हिंदी कहने की बात है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। केंद्र सरकार द्वारा भाषा के मानकीकृत रूप के साथ ही हिंदी को, जो हमारी हिंदी भाषा है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, एक ही बात है याद रखना, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, राज्यों के सभी स्कूलों में अनिवार्य विषय का रूप बनाने का प्रस्ताव लाई है। मतलब ये अब से पहले जो हिंदी है, हमारी हिंदी भाषा है, हमारी जो राजकीय भाषा है हिंदी, उसे अब से पहले उत्तर पूर्व के जो राज्य थे वहां पर लागू नहीं किया गया था, वहीं की जो आप लोग हिंदी थी वही चलती थी। लेकिन अब क्या है कि केंद्र सरकार सभी स्कूलों में उत्तर पूर्व के अनिवार्य रूप से हिंदी को लागू करने का प्रस्ताव लाई है। इस बात को लेकर पूर्व उत्तर राज्यों में असम सहित काफी स्थानों पर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। किसका? केंद्र सरकार का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विवाद के बीच असम के एकमात्र हिल स्टेशन हाफलॉग से जुड़ी एक देसी हिंदी के अस्तित्व को लेकर चिंता व सोच विचार किया जा रहा है। ये एक हिल स्टेशन का नाम है हाफलॉग, ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विवाद के बीच, मतलब जो विवाद कर रही है वहां की जनता, असम के एकमात्र हिल स्टेशन हाफ लॉग, उस हिल स्टेशन का नाम है असम के हाफ लॉग से जुड़ी एक देसी हिंदी के अस्तित्व को लेकर, यह देसी हिंदी है वहां की, चिंता में सोच विचार किया जा रहा है। वहां के लोग चिंता में पड़ गए इस चीज को लेकर। इस देसी हिंदी को हाफ लॉग हिंदी के नाम से जाना जाता है। यह असम के दीमा हिलाओ जिले की एक सामान्य भाषा है। असम में एक जिला है दीमा हिलाओ, तो वहां की एक लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। हाफ लॉग हिंदी 1800 ईस्वी के आसपास, उस समय भारत में अंग्रेज थे, आसपास मुख्य रूप से व्यापारियों और श्रमिकों द्वारा, वहां पर जो लोग व्यापार करने जाते थे और जो वहां पर मजदूरी करते थे, ठीक है, श्रमिकों के बीच बोली जाती थी, क्योंकि ये मजदूर लोग असम के एक पहाड़ी स्टेशन पर मजदूरी किया करते थे, ठीक है। तो ये जो हाफ लॉग भाषा है या हाफ लॉग हिंदी है, ये क्या है, वहां पर जो व्यापार करने वाले लोग जाते थे वो बोलते थे, और वहां पर जो मजदूर लोग थे जो मजदूरी करते थे असम के हिल स्टेशन पर हाफ लॉग पे, वो एक मिश्रित रूप में से बोलते थे, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने एक दूसरे को जानने के लिए, ठीक। इसके बाद असम में स्थित दीमा हमाओ जिले को पहले उत्तरी कचार हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये जो दीमा हमाओ जिला है, क्या है, असम में है, तो इसे पहले उत्तरी कचार हिल्स कहा जाता था।
असम में बसने वाले गैर आदिवासी, क्योंकि आदिवासी है असम में, और पहाड़ी क्षेत्र के विविध स्वदेशी समुदाय ने आपस में संवाद, मतलब बातचीत, संवाद का मतलब है बातचीत करने के लिए मिश्रित भाषा को विकसित किया था, जिसे हाफ लोग हिंदी के रूप में जाना जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, असम में बसने वाले गैर आदिवासी, आदिवासियों के अलावा जो वहां से जाके बसे लोग, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र के विविध स्वदेशी समुदायों ने, जो पहाड़ी क्षेत्र के वहां पर समुदाय थे, आपस में बातचीत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक दूसरों को जानने के लिए मिश्रित भाषा को विकसित किया था, ये जिसे हाफ लोग हिंदी के नाम से जाना जाता है। हाफ लोग भाषा का नाम असम जिले के मुख्यालय हाफ लोग के नाम पर पड़ा है। वहां का एक मुख्यालय है असम का हाफ लोग, तो उसी मुख्यालय के नाम पर इस भाषा का नाम हाफ लोग पड़ा है। वर्तमान में हाफ लोग हिंदी में तिब्बती, बर्मन, बंगाली, नेपाली और व्याकरण शब्द भी शामिल है। तो इसमें जो हिंदी है, हमारी सामान्य हिंदी है, वो शामिल नहीं है, जबकि तिब्बती बर्मन शामिल है, तिब्बती बर्मन भाषा, बंगाली, नेपाली और व्याकरण के कुछ कुछ चुनिंदा शब्द भी शामिल है। हाफ लोग हिंदी में सामान्य हिंदी शामिल नहीं है, तैयार रखना, हाफ लोग हिंदी में क्या शामिल नहीं है, सामान्य हिंदी शामिल, जबकि व्याकरण शब्द शामिल है। हिंदी भाषा की संख्याओं के स्थान पर, जैसे हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, चिन्ह होते हैं उसके के स्थान पर इस भाषा